वेलकम स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के इस लेक्चर में हम लोग ऑड एंड इवन नंबर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑड एंड इवन नंबर्स को स्टडी करने के लिए हम एक नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज पेयरिंग ऑफ डॉट्स। मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर ऑफ डॉट्स बना दिए। अब मैं उन डॉट्स को पेयर करता हूं। दो दो के डॉट्स को पेयर करेंगे। जब मैं पेयर करता हूं एंड व्हेन आई फिनिश द पेयरिंग, यहां पे मैंने डॉट्स काउंट नहीं किए हैं। पेयर करने के बाद मैंने देखा कि एक डॉट जो है वो बच गया है, ये वाला डॉट बच गया। अगर एक डॉट बच जाता है देन वी से वी हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। यहां पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है। और अगर कंप्लीट पेयरिंग हो जाती है तो हम बोलेंगे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। फॉर एग्जांपल वापस से बनाते हैं हम। आइडिया इज मैं यहां पे काउंट नहीं कर रहा हूं कितने डॉट्स है, मैं खाली उनको पेयरिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे मैं हर दो दो डॉट्स को पेयर करता जा रहा हूं और फाइनली मैं देखूंगा कि पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या कोई डॉट लेफ्ट आउट होता है। एंड व्हाट आई सी इज यहां पे एक भी डॉट लेफ्ट आउट नहीं है, तो हम बोलेंगे इधर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। यही हमारी ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि इवन नंबर जो होता है इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू, इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू। इसका यह मतलब होता है कि जब भी हम किसी नंबर को टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जब उन नंबर्स को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन आएगा। तो यहां पे भी हमने ये देखा कि जब ऐड कर रहे हैं सारे डॉट्स को पेयर कर रहे हैं, अगर एक डॉट बच गया है तो वहां पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, और अगर एक भी डॉट नहीं बचा है दैट इज रिमाइंडर जीरो है, तो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। हम यहां पे नंबर ऑफ डॉट्स काउंट नहीं कर रहे हैं, हमने खाली प्रॉपर्टी देखी है ऑड एंड इवन नंबर्स की, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं डॉट्स कितने हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वो भी हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर है उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नंबर्स को काउंट करेंगे या कैरेक्टर्स को काउंट करना है ये चीज हम लोग इसमें नहीं करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑड प्लस ऑड इज इवन। इसको तो हम वापस से पेयरिंग ऑफ डॉट से एक बार समझ लेते हैं, बाकी ये प्रॉपर्टी हम सबको मालूम है कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है। सो सपोज दीज आर द डॉट्स हियर, जब मैं इसकी पेयरिंग करता हूं तो ये दोनों पेयर हो गए और ये दोनों पेयर हो गए, एक डॉट हमारे पास बच गया, एक डॉट हमारे पास बच गया। सो दीज आर ऑड नंबर ऑफ डॉट्स। दूसरी तरफ मैं वापस से कुछ ऑड नंबर ऑफ डॉट्स बनाता हूं। और उनकी पेयरिंग करता हूं। यहां पे भी हमारे पास एक डॉट बच गया। When we add, then what we can do is यहां का एक लेफ्ट आउट डॉट और इधर का एक लेफ्ट आउट डॉट, इन दोनों को हम पेयर कर सकते हैं। So when we add this odd number plus odd number, तो हमारे को क्या मिलेगा, एडिशन जब करेंगे odd plus odd, तो हमारा मिल जाएगा इवन नंबर। सिमिलरली इफ यू एड ऑड प्लस इवन देन द रिजल्ट बी एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर को, ये ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है हमारे पास, कैसे पता चलेगा, हमने काउंट नहीं किया, हमने पेयरिंग करके खाली देख लिया कि एक डॉट लेफ्ट आउट है और हमारे पास दूसरी तरफ हम इवन नंबर ऑफ डॉट्स बनाते हैं। And we do the pairing,
तो सारे डॉट्स हमारे पेयर हो जाएंगे। नाउ वी डू द एडिशन ऑफ दिस ऑड नंबर ऑफ डॉट्स एंड इवन नंबर ऑफ डॉट्स। तो यहां पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डॉट्स है, यहां पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, पूरे को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास एक डॉट बच गया है जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है। ये जो डॉट है बच गया, इसका पेयरिंग नहीं हुआ है। सो ऑड प्लस इवन विल ऑलवेज गिव अस ऑड नंबर। सिमिलरली इवन प्लस इवन गिव्स अस इवन नंबर। वी कैन से दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज ऑड नंबर। हमें मालूम है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव अस 15। 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर, तो रिजल्ट 15 भी ऑड नंबर आया। ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स अस 6। दैट इज ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 32। सो इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर विल गिव अस इवन नंबर। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे विल ट्राई टू सी कि सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके विल ट्राई टू गेट द आंसर। हम लोग कभी भी एक्चुअली कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। ये जो सवाल है ये एनएमटीसी के एग्जाम में आया हुआ है, 5th-6th क्लास के बच्चों के लिए। राम ब्रॉट अ नोटबुक कंटेनिंग 98 पेजेस एंड देन नंबर देम फ्रॉम 1 टू 196। कृष्णा टोर 35 पेजेस ऑफ राम्स नोटबुक एंड एडेड द 70 नंबर्स ही फाउंड ऑन द पेजेस। कुड कृष्णा हैव गॉट 2004 एज द सम। पहले तो हम बुक्स में जो पेजेस की नंबरिंग है उसको समझ लेते हैं। कोई भी पेज अगर आप देखेंगे बुक का, तो उस बुक का ये फ्रंट पेज है और इसके पीछे जो पेज आएगा, इसके पीछे दिस अ बैक पेज। एक फ्रंट पेज होगा, एक बैक पेज होगा। फ्रंट पेज अगर वन है तो बैक पेज का नंबरिंग टू होगा। तो यू सी के फ्रंट पेज हमेशा ऑड नंबर रहेगा और बैक पेज हमेशा इवन नंबर रहेगा। ये बुक का नंबरिंग रहता है। अगर आप बुक का सेकंड पेज लेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है उस पे नंबर लिखा होगा 3 और उसके जो बैक पेज है उस पे नंबर लिखा होगा 4। बुक का थर्ड पेज अगर हम लेते हैं तो फ्रंट पेज पे नंबर होगा 5 और बैक पेज पे नंबर होगा 6। अब अगर फ्रंट पेज और बैक पेज के नंबर्स को आप ऐड करते हैं 1 प्लस 2, तो ऑड नंबर प्लस इवन नंबर विल ऑलवेज गिव अस ऑड नंबर 3 प्लस 4 5 प्लस 6, हमेशा ऑड नंबर आएगा। रिमेंबर बुक के जो पेज की नंबरिंग होती है, फ्रंट पेज जो होता है वो हमेशा ऑड होता है और बैक पेज पे जो नंबर होता है हमेशा इवन होता है। सो कभी भी कोई बुक हमारे को ऐसी नहीं मिलेगी जिसका फ्रंट पेज पे नंबर 6 हो और बैक पेज पे नंबर 7 हो, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, पेजेस का नंबरिंग हमारे को मालूम होना चाहिए। नाउ कृष्णा जो है, जो बुक लाया था उसमें टोटल 98 पेजेस थे एंड ही नंबर इट फ्रॉम 1 टू 196। सॉरी, राम जो बुक लेके आया था, कृष्णा टोर 35 पेजेस, हर पेज पे दो नंबर होते हैं और कृष्णा ने वो जो 17 नंबर्स उसको मिले उसको ऐड कर दिया। एवरी पेज जिसके आगे पीछे के नंबर को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ना ऑड प्लस ऑड इज बेसिकली ऑड नंबर, सॉरी ऑड प्लस ऑड इज बेसिकली इवन नंबर। देन ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड विल बी इवन प्लस ऑड विच विल बी ऑड नंबर। ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड विल बी इवन प्लस इवन विल बी इवन नंबर। क्या मतलब है? अगर हम ऑड नंबर को इवन टाइम्स ऐड करते हैं, यानी कि हम इवन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है इवन, और हम ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ऑड नंबर आता है। तो
कृष्णा ने कितने पेजेस टर्न किए, 35 पेजेस टर्न किए. सो हाउ मेनी ऑड नंबर्स इज एडिंग, ही इज एडिंग ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, टोटल 35 नंबर्स को वो ऐड कर रहा है. हमें नहीं मालूम है कि नंबर्स कौन से, लेकिन हमारे को मालूम है कि सारे के सारे नंबर्स ऑड है. और कितने ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है उसके पास, उसके पास 35 ऑड नंबर्स है, उसके पास ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है. और ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं हम तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड नंबर होता है. तो कृष्णा को कभी भी सम 2004 नहीं मिलेगा, उसको जो सम मिलेगा वो ऑड नंबर होगा. सो 2004 उसका आंसर नहीं हो सकता है. ओके, सो दिस वाज अ सिंपल प्रॉब्लम. ये एनएमटीसी के एग्जाम में 5th-6th क्लास के बच्चों के लिए आ चुका है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर लिया इसको. राकेश हैड अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस नंबर इन यूजुअल ऑर्डर फ्रॉम 1 to 100. ठीक है, 100 नंबरिंग है उसके पास पेजेस पे. हिज चाइल्ड टोर आउट 3 पेजेस, बच्चे ने 3 पेज फाड़ दिए. तो कितने पेज फाड़े, एक्चुअली उसने 6 पेज नंबर्स फाड़ दिए. 3 पेज फाड़ने का मतलब है आगे पीछे टोटल 6 पेज नंबर्स फाड़ दिए कंप्लीटली फ्रॉम द बुक. कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द टोन पेजेस बी 52? द क्वेश्चन इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन. जब उसने 3 पेज फाड़ दिए तो ये 3 पेज सपोज उसने फाड़े हैं, तो उसके टोटल नंबर जो हट गए वो 6 नंबर्स हट गए. इस पेज का नंबर ऑड नंबर है, इस पेज के सम का भी नंबर्स का भी सम ऑड है, और ये जो पेज है इसके जो नंबर्स है उसका सम भी ऑड है. नाउ ऑड प्लस ऑड क्या देगा, इवन. एंड इवन प्लस ऑड क्या देगा, ऑड. तो ये जो सम आएगा हमारे पास इरेस्पेक्टिव ऑफ उसने कौन से पेजेस फाड़े हैं वो ऑड ही आएगा. सो कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द टोटल पेजेस बी 52? देन द आंसर इज नो, बिकॉज द सम हैज टू बी ऑड नंबर. सो ये सम नहीं हो सकता है. कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द टोटल पेजेस बी 51? दिस इज ऑड नंबर. सो द आंसर मे बी यस, बट वी आर नॉट श्योर कि उसका सम ऑड नंबर होगा या नहीं होगा. सो नाउ वी सी नंबर्स को ऐड करके देखते हैं. हम लोग एक्चुअली नंबर नहीं फाइंड आउट करेंगे कौन से नंबर्स है, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी. अगर कोई भी नंबर लेता हूं 1 + 2, दिस इज 3, मैं कोई और लेता हूं, हमारा फ्रंट पेज हमेशा ऑड नंबर होता है, बैक पेज हमेशा इवन नंबर होता है. सो इफ आई टेक 11 + 12, दिस इज 23. अगर मैं लेता हूं कोई और पेज 7 + 8, दिस इज 15. इन सब नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, दिस नंबर इज 4 - 1, दिस नंबर इज 24 - 1, एंड दिस नंबर इज 16 - 1. यानी हर पेज का जो नंबर होता है दैट इज ऑलवेज 1 लेस देन द मल्टीपल ऑफ 4. 23 इज 1 लेस देन 24, दैट इज 6 × 4 मल्टीपल ऑफ 4 - 1. दिस इज 16 - 1, दैट इज 4 × 4 मल्टीपल ऑफ 4 - 1. दिस सम इज 3, विच इज 4 - 1 इज 1 × 4 - 1. यानी कि अगर उसने 3 पेज फाड़े हैं, फाड़ दिए हैं, टोटल ऑफ 3 पेजेस, तो तीनों पेज का जो सम होगा वो होगा 1 < द मल्टीपल ऑफ 4. तो जो सम ऑफ ऑल द 3 पेजेस नंबर्स ऑफ ऑल द 3 पेजेस यानी 6 पेज नंबर्स होगा, उसका सम हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 - 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 4 - 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 4 - 1, विच विल बी इक्वल टू
इन तीनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 3। तो इसका मतलब अगर जो 51 होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 3 होना चाहिए। सो व्हाट आई डू इज अगर हम करते हैं 51 प्लस 3, देन 51 प्लस 3 इज इक्वल टू 54। दिस 54 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 54 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। जबकि जब पेजेस को टर्न आउट करते तो हर पेज की प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि दोनों का नंबर्स का जो सम है आगे पीछे का वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 1 होता है। तो तीन पेज जो है उसका सम क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 माइनस 3। तो अगर 51 उसका सम होता तो 51 प्लस 3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, बट 54 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब जो तीन पेज उसने टर्न किए हैं कोई से भी तीन पेज हो उनका सम कभी भी 51 नहीं हो सकता है। सो द आंसर इज बिग नो। रिमेंबर हमने यहां पे नंबर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की, वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या कौन से वो नंबर्स होंगे जिनका नंबर 51 हो सकता है। हमने सिर्फ ऑड नंबर और इवन नंबर की प्रॉपर्टीज यूज की, एंड सेकंड वी हैव यूज सम टेबल्स डिविजिबिलिटी रूल्स की प्रॉपर्टीज यूज करके फिगर आउट कर दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके सो चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 103, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू फिगर आउट बाय हिट एंड ट्रायल के कौन से नंबर्स हो सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वी नो दैट ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर गिव्स अस इवन नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर, इसका मतलब दोनों नंबर्स ऑड नहीं हो सकते हैं। इवन नंबर प्लस इवन नंबर गिव्स अस ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर प्लस इवन नंबर तो इवन नंबर देगा, यानी कि दोनों नंबर इवन भी नहीं हो सकते हैं। ऑड नंबर प्लस इवन नंबर गिव्स अस ऑड नंबर, इसका मतलब ये जो दो नंबर जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसमें से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। इस टॉकिंग अबाउट द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स को लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। वी नो कि देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर 2 व्हिच इज इवन, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन इवन प्राइम नंबर विच इज 2। इसका मतलब जो दो नंबर थे जिनका सम 103 आ रहा है दैट इज 101 प्लस 2 विच इज 103। सो द प्रोडक्ट विल बी 101 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 202। दिस विल बी द आंसर, 202 इज द आंसर। Okay, so let's move to the next problem. The product of 2 natural numbers is 450. Can the sum of 2 numbers be an even number? Okay, product kya aa raha hai? Product is 450. The question is asking, can the sum of 2 numbers be an even number? Question number को ये नहीं पूछ रहा है कि उन दोनों numbers का sum क्या होगा। Question खाली ये पूछ रहा है, can the sum of those 2 numbers be an even number? Okay, so odd number multiplied by odd number will give us odd number. That means ये दोनों जो numbers हैं ये odd नहीं हो सकते हैं। So this possibility is ruled out. Okay. Odd number multiplied by even number
दिस इज एन इवन नंबर, लेकिन बट ऑड नंबर प्लस इवन नंबर इज ऑड नंबर। सो अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम 450 है और एक ऑड है और एक इवन है, बट उसका सम तो ऑड होगा, ऑड प्लस इवन इज ऑड, सो इसका मतलब ये दो नंबर भी नहीं हो सकते हैं जिसका सम इवन हो जाए, सो दिस इज रूल्ड आउट। नाउ इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर इज एन इवन नंबर, सो पॉसिबली कि दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई इवन नंबर हो, एंड इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, दोनों का सम भी इवन हो, सो दिस इज एन पॉसिबिलिटी, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब हमारे को उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर दो नंबर्स ऐसे हैं दोनों अगर इवन है तो उनका प्रोडक्ट इवन होगा और दोनों का सम भी इवन होगा। व्हेन वी सी कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 450 आ रहा है, अब हम इवन नंबर प्लस इवन नंबर का एक स्ट्रॉन्गर प्रपोजिशन देखते हैं, द स्ट्रॉन्गर प्रपोजिशन। वन प्रपोजिशन इज इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर इज एन इवन नंबर, लेकिन उसका जो स्ट्रॉन्गर प्रपोजिशन है वो ये बोलता है कि एन इवन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ टू विल बी अ मल्टीपल ऑफ फोर, विल बी अ मल्टीपल ऑफ फोर। बट अगर आप 450 को देखेंगे, 450 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज 450 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब 450 दो इवन नंबर्स का मल्टीपल नहीं हो सकता है, 450 हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर, बट ऑड नंबर प्लस इवन नंबर विल नेवर गिव अस इवन नंबर, इट विल ओनली गिव अस ऑड नंबर। सो कैन द सम ऑफ द टू नंबर्स बी एन इवन नंबर? द आंसर इज अगेन नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सी दिस आइडिया कि हम लोग यहां पे एक्चुअल नंबर्स से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 2, 2, 2, 2, 2, 2। ओके, प्रूव दैट द सम ऑफ टू नंबर्स बी एन ऑड नंबर, गिव रीजन। सिंपल सा है, यहां पे हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 2, 2, 2, 2, 2, 2। प्रूव दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स मस्ट बी एन ऑड नंबर। यहां पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स, लेट्स से इफ आई टेक टू नंबर्स एक्स एंड वाई, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, दैट मींस दोनों या तो ऑड है या दोनों इवन है, आइदर बोथ आर इवन और वन इज ऑड एंड द अनदर इज इवन, उसी केस में हमारे को प्रोडक्ट इवन नंबर मिलेगा। लेकिन हमारे को मालूम है कि अगर दोनों नंबर इवन होते तो ये जो इवन नंबर आता है इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 4, और अगर ऑड एंड इवन नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इवन नंबर आएगा दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, और हमारे को मालूम है दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब जो दो नंबर जिसका प्रोडक्ट ही आ रहा है, वन नंबर इज ऑड नंबर एंड अदर नंबर इज इवन नंबर, एंड द सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। ओके, सो दिस इज ट्रू दैट
जिन दो नंबर्स का मल्टीपल टू 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 है उनका सम जो है वो ऑड नंबर ही होगा। रिमेंबर ये आई कैन इजीली से कि डिविजिबिलिटी रूल होता है, यू शुड नो दिस डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर कोई नंबर फोर से डिविजिबल है देन यू जस्ट हैव टू चेक फॉर द लास्ट टू नंबर्स, लास्ट टू नंबर्स को चेक कर लो क्या वो फोर से डिविजिबल है। अगर लास्ट टू नंबर्स फोर से डिविजिबल है तो पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा। यू डोंट हैव टू डिवाइड द कंप्लीट नंबर बाय फोर टू सी कि नंबर फोर से डिविजिबल है। फोर का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है, सो यू जस्ट सी वेदर टू ट्वेंटी टू इज डिविजिबल बाय फोर, दैट इज वेदर फोर डिवाइड्स 22, द आंसर इज नो, सो वी नो दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फोर। ये हमारा पास डिविजिबिलिटी रूल से आ जाता है बहुत इजीली। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। 2400 इज डिवाइडेड बाय एवरी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 2400। द नंबर ऑफ डिवाइडिंग नेचुरल नंबर्स दैट लीव्स रिमाइंडर 0 इज इवन और ऑड। ओके, सो यहां पे हमारे को क्या करना है, 1 से लेकर 2400 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सब नेचुरल नंबर से 2400 को उन्हीं सब नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम किसी भी नंबर से 2400 को डिवाइड करेंगे, देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। सो अगर हम एन को एन 2400 को किसी भी नंबर एन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर की अगर हम बात करें, रिमाइंडर की देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर रिमाइंडर इज जीरो और द रिमाइंडर इज नॉन जीरो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिवाइडिंग नेचुरल नंबर्स, यानी वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनसे रिमाइंडर जीरो आएगा उनका जो काउंट है वो ऑड है या इवन है। इट्स नॉट आस्किंग कि कौन कौन से नंबर से 2400 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, इट्स सिंपली आस्किंग कि जो जो नंबर है जिनको 2400 जिन नंबर से 2400 को डिवाइड करेंगे कितने नंबर ऐसे हैं जिनसे रिमाइंडर जीरो आएगा वो काउंट ऑड है या इवन है, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम 2400 को लेट्स से 2 से डिवाइड करते हैं, देन यू नो दैट 1200 2400 द रिमाइंडर इज जीरो। फिर हम डिवाइड करते हैं इसको लेट्स से 2400 को 8 से डिवाइड कर दिया, देन अगेन द रिमाइंडर इज जीरो। हमने 2400 को 24 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करना जरूरी नहीं है, खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे कर रहे हैं, देन द रिमाइंडर इज जीरो। तो ये तो कुछ नंबर है जिनसे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अब मैं कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं जैसे 2400 इफ आई डिवाइड बाय 7, द रिमाइंडर इज 6। तो इस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। सो कुछ नंबर्स होंगे जिनसे रिमाइंडर जीरो आएगा, कुछ नंबर्स होंगे जिनसे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑल दोज नंबर्स जिनसे रिमाइंडर जीरो आ रहा है वो ऑड है या इवन है। नाउ यू सी हियर, दिस इज लाइक समथिंग बाय वन गेट वन फ्री। अगर 2400 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब 1200 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर जीरो आएगा। सो अगर मेरे को नंबर 2 मिलता है जिससे 2400 को डिवाइड करते हैं तो मेरे को उसके साथ एक नंबर और मिल गया 1200, उससे भी अगर 2400 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर मेरे को एक नंबर 8 मिल गया, अब जब 8 से डिवाइड करता हूं 2400 को तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो उसके साथ मेरे को एक नंबर और मिल गया 300 से भी जब 2400 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा।
अगर हम 24 से डिवाइड करें 2400 को, तो हमारे को एक नंबर 100 और मिल गया है, जिसको 2400 को डिवाइड करेंगे 100 से तो भी रिमाइंडर, दैट मींस ऑल दोज नंबर्स जिससे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दे आर ऑल ऑकरिंग इन पेयर्स, दे आर ऑल ऑकरिंग इन पेयर्स। तो हमारे को जितने भी नंबर मिलेंगे, अगर हमारे को एक नंबर ए मिलता है तो हमारे को एक दूसरा नंबर बी और मिलेगा पेयर में, जिसको जिससे 2400 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। सो बिकॉज ऑल दीज नंबर्स ऑकर इन पेयर, इसीलिए जो टोटल नंबर्स है जिनको 2400 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो आएगा, वो नंबर्स कितने हो जाएंगे, वो नंबर्स होंगे इवन नंबर्स। सो द आंसर इज इवन। आया समझा? यहां तो हमने वो नंबर्स आइडेंटिफाई नहीं किए, यहां तो मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पेयर्स लिए थे, बट आइडिया वाज हर एक नंबर जिस 2400 जिससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो उसके साथ हमारे को दूसरा पेयर मिल रहा है। अगर ये हमारा डिवाइजर है तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन को डिवाइजर बना देंगे तो डिवाइजर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 2 इज अ डिवाइजर, देन 1200 इज अ क्वेश्चन, तो अगर 1200 अगर डिवाइजर बन जाएगा तो 2 क्वेश्चन बनेगा और दोनों केस में रिमाइंडर जीरो होगा। अगर 8 डिवाइजर है तो 300 क्वेश्चन है और रिमाइंडर जीरो है, तो अगर 300 क्वेश्चन बन जाएगा तो 300 अगर डिवाइजर बन जाएगा तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी रिमाइंडर जीरो रहेगा। सो हमेशा डिवाइजर क्वेश्चन जो है पेयर्स में मिलेंगे, और जब हमारे को पेयर्स में मिलेंगे तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं जिनसे रिमाइंडर जीरो आएगा वो इवन नंबर होगा। क्लियर है? We are only using the properties of odd numbers and even numbers to find out the answer. Let's move to the next question. 2500 is divided by every natural number from 1 to 2500. The number of dividing natural numbers that leaves remainder 0 is even or odd. Same question hai. हमारे को मालूम है कि हमारे को वी ऑलवेज गेट पेयर्स ऑफ नंबर्स। अगर ए से डिवाइड करने पे क्वेश्चन बी है और रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो बी से डिवाइड करने पे क्वेश्चन ए होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। सो ए और बी हमेशा हमारे को पेयर्स में मिलेंगे। 2500 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जीरो, अगर 5 अगर डिवाइजर है तो 500 क्वेश्चन है, और अगर 500 को क्वेश्चन लेंगे, 500 को डिवाइजर लेंगे तो 5 क्वेश्चन आ जाएगा तो भी रिमाइंडर जीरो होगा। बट अगर हम 2500 को 50 से डिवाइड करेंगे the remainder is zero, but now the divisor and the quotient are same, so यहां पर हमारे को pair नहीं मिल रहा है, हमारे को single number मिल रहा है a and a, तो सब numbers के लिए हमारे को pair of divisor and quotient मिलेंगे, but यहां पर हमारे को single number 50 मिल रहा है, so we get even 2 plus even 2 plus 2 which is even plus 2, but when it comes to 50, you only get 1, which is an odd number. That means now the numbers which leave the remainder 0 is not even, but it's an odd number. So, in this case, mein answer ho jayega odd number. And we can easily see ki ye kiske liye valid hoga? All those numbers like 2500. And what is the property of 2500? That 2500 की प्रॉपर्टी क्या है? It is a, क्या है इसकी प्रॉपर्टी? It is a perfect square. तो perfect square के केस में
द नंबर ऑफ नंबर्स विच लीव्स द रिमाइंडर जीरो विल बी ऑड नंबर, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इवन नंबर्स होंगे. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 वॉज रिटर्न ऑन ईच साइड ऑफ 5 कार्ड्स. ईच कार्ड हैज डिफरेंट नंबर्स ऑन ईच साइड. ईच नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 वॉज एग्जैक्टली रिटर्न ऑन 2 sides अमंग द 10 sides. इज देयर अ कार्ड वेयर बोथ साइड्स हैविंग ऑड नंबर्स ऑन इट. इंटरेस्टिंग है. तो क्या करते हैं कि ओके, पहले मैं 5 cards बना लेता हूं. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये मान लेते हैं इसकी फ्रंट साइड है कार्ड की. ये फ्रंट साइड मान लेते हैं. और मैं क्या करता हूं, इसकी बैक साइड भी बना लेता हूं. ये इसका सब 5 cards की बैक साइड है. अब क्या बोल रहा है कि अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज रिटर्न ऑन ईच साइड ऑफ 5 cards. ठीक है, 1 to 5 एग्जैक्टली आगे भी लिखते हैं और पीछे भी लिखते हैं. इज देयर अ कार्ड वेयर बोथ द साइड्स हैविंग ऑड नंबर ऑन इट. तो हमारे पास क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना. हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5. हमारे पास ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, हम उसको मार्क कर लेते हैं. फिर 1, 3, and 5. हम क्या करते हैं, पहले सब कार्ड के फ्रंट साइड पे ऑड नंबर्स फिल कर लेते हैं ताकि किसी भी कार्ड के पीछे ऑड नंबर नहीं आए. तो 1 यहां पे फिल कर लिया, 3 यहां पे फिल कर लिया, 5 यहां पे फिल कर दिया. वापस से 1 यहां पे फिल कर लिया, 3 यहां पे फिल कर लिया. कहने का मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ 5 फ्रंट फेसेस हैं, लेकिन हमारे पास ऑड नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो एक ऑड नंबर हमारे पास हमेशा बच जाएगा. वो इधर इस किसी ना किसी कार्ड के बैक साइड पे हमेशा आएगा. तो इसका मतलब देयर इज ऑलवेज 1 card. यस, द आंसर इज यस, देयर इज ऑलवेज 1 card जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ ऑड नंबर होगा. ओके, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था ये, बट ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया हम लोगों ने इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. Each cell of a 5x5 table should be filled with one of the number from first 25 prime numbers. No 2 cells are filled with the same number. How many rows will have an odd sum of real numbers? How many columns will have an even sum of cell numbers? So, question mein 5x5 ka table hai, usko first 25 prime numbers se fill karna hai. So, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे को फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स चाहिए. ओके, सो फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स से हमारे को फिल करना है. सो लेट्स राइट द फर्स्ट 25 प्राइम. सारे तो नहीं लिखते हैं, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं. 2, 3, 5, 7 11, 13, 17. पॉइंट यहां पे नोट करते हैं कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन. इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 है. बाकी जितने भी प्राइम नंबर से 3, 5, 7, 11 दे आर ऑल ऑड नंबर्स. सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स है.
सिर्फ टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये काफी हेल्पफुल होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर ये स्ट्राइक हो जाए कि टू इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक 5x5 का टेबल बना देते हैं एंड हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो हम रैंडमली कहीं पे भी इवन प्राइम नंबर को लिख लेंगे और बाकी जो भी 24 प्राइम नंबर्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से हैं, हम इन सारे सेल्स को फिल कर लेंगे। तो सब सेल्स में ऑड नंबर्स आएंगे, ऑड प्राइम नंबर्स। सिर्फ एक ही कोई सा भी सेल ऐसा है जिसमें इवन प्राइम नंबर आएगा। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास टोटल सेल्स कितने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3 R4 R5। उसी तरह हमारे पास पांच कॉलम है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, और हर सेल सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी सेल में हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है। एंड हमारे को मालूम है कि इफ वी एड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, एंड इफ वी एड दिस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हम इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो ऑड नंबर होता है। अगर हम इसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, ऑड नंबर आता है। यहां पे ओ, किसी भी एक रो को लेता हूं मैं, ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस ओ प्लस ओ, हम पांच ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ऑड नंबर ही आएगा। सेकेंड रो में भी हमारा रिजल्ट ऑड नंबर आएगा, फोर्थ रो में भी हम पांच ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऑड नंबर आएगा, लास्ट रो में भी ऑड नंबर्स आएगा। सिमिलरली कॉलम वन में हम पांच ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट ऑड नंबर आएगा। कॉलम थ्री, कॉलम फोर और कॉलम फाइव, ये सब भी ऑड नंबर्स देंगे। एक सेल में इवन नंबर है, देन द रो विच इज हैविंग दैट सेल जिसमें इवन नंबर है और वो कॉलम जिसमें इवन नंबर है एक सेल में, अगर उसको देखें तो उसमें एक इवन नंबर है और बाकी चार ऑड नंबर है। तो व्हेन वी ऐड ऑड नंबर्स इवन टाइम्स, यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है तो उनका सम इवन होता है प्लस दिस इवन नंबर, तो इसका सम आ जाएगा इवन नंबर, इसका सम आ जाएगा इवन नंबर। यानी एक रो ऐसी रहेगी जिसका सम इवन है और एक कॉलम ऐसा होगा जिसका सम इवन है। सो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी रोज विल हैव ऑड सम ऑफ सेल नंबर्स, तो हमारे पास चार रोज है जिनका जो सम ऑफ द सेल नंबर्स है वो ऑड है, द आंसर फॉर दिस बी 4। एंड हाउ मेनी कॉलम्स विल हैव एन इवन सम ऑफ सेल नंबर्स, तो हमारे पास एक ही कॉलम है जिसके सेल का सम नंबर इवन आ रहा है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी 1। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो चाहे ऑड डे हो चाहे इवन डे हो, कीप एंजॉइंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉल इन लव विथ मैथ्स।